हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे जो भी हम बैकअप सीमेंस पीएलसी का, डीसीएस का, सीमेंस डीसीएस का जो भी बैकअप हम क्रिएट करते हैं, उसको हम कैसे अगेन उसको ओपन कर सकते हैं, उस बैकअप फाइल को कैसे हम ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको अगेन हमारे सिमेटिक मैनेजर में ओपन करके देन उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम कैसे उसे ओपन करेंगे, सिमेटिक मैनेजर Step 7 क्या है, PCS 7 क्या है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे इंजीनियरिंग स्टेशन पे जहाँ से हम ये सब करने वाले हैं। ये हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन है जहाँ पर हमारे पास में ये सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ऑलरेडी। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिमेटिक मैनेजर यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपको सिमेटिक विनसीसी दिख रहा है, स्टार्टर दिख रहा है, अदर सॉफ्टवेयर जो भी हमारे इंजीनियरिंग स्टेशन, जो भी हमारी पीएलसीज और डीसीएस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है बिकॉज इंजीनियरिंग स्टेशन रूम में बहुत ज़्यादा नॉइस होने के कारण वीडियो रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइस आती है और मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। फर्स्ट मैं कर्सर लेके जाऊंगा, देन मैं सिमेटिक मैनेजर को डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके भी ओपन में जाके इसको ओपन कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक से इसे ओपन कर रहा हूँ। देन अब चेक करेंगे सिमेटिक प्रोसेस ऑटोमेशन PCS 7। मैंने सिमेटिक मैनेजर में ये अपना PCS 7 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और इस सॉफ्टवेयर से आप देखेंगे ये जैसे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये ऐसे एक ब्लैंक इसमें विंडो ओपन होगा एंड देन अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फाइल, पीएलसी, व्यू ऑप्शन, ये सब लिखा हुआ आएगा। आपको जाना है फाइल पे। जैसे आप फाइल पे जाएंगे आप देखेंगे वहां पर सबसे पहले ऊपर में न्यू, देन न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड, देन ओपन। न्यू प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप न्यू पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप ओपन सेलेक्ट करेंगे। मैंने ओपन पे सेलेक्ट किया है, क्लिक करता हूँ। देन जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली जो काफी दिन से ये यूज कर रहा हूँ बैकअप अपना, वही आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे ये शो करेगा मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड देन इसको ओपन कर लूंगा। जैसे मैं ओपन करूंगा एक विंडो ओपन होगी। इस विंडोज के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे उसका नेमिंग आएगा। मैं उसकी विंडो को पूरे पहले फुल स्क्रीन कर लूंगा, देन उसको एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने के बाद में मैं ये पूरा इंजीनियरिंग स्टेशन एक पेपर इंडस्ट्री का है, उसमें एक रिमाइंडर मशीन होती है उसका है। देन इसमें हमारे पास में 2 CPU यूज किए हुए हैं, एक रनिंग में, एक स्टैंड बाय, एक मास्टर और एक स्लेव, और देन अदर उसमें कंट्रोल यूनिट्स लगी हुई हैं ड्राइव्स के लिए। अब मैं उसको कैसे आगे ओपन करता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देखोगे मैंने अभी ये ब्लॉक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने अभी जैसे ही ब्लॉक्स पे क्लिक किया, ये देखिए सीमेंस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में इसमें जो भी प्रोग्रामिंग्स होती है वो सभी हमारे यहाँ पर सीमेंस ब्लॉक में होती है, यहाँ पर आ जाएगी। और अभी आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर आप इसके व्यूज को चेंज भी कर सकते हो, इसको लिस्ट कर सकते हो, डिटेल कर सकते हो, टैब कर सकते हो। अभी मैंने इसको डिटेल में लेता हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पर उसका सिंबॉलिक नेम भी यहाँ से मालूम चल जाएगा और मुझे ट्रेसिंग के लिए ईजी हो जाएगा। मैं तीनों व्यू आपको दिखा दिए हैं एंड देन मैं अभी आपको एक कोई भी एक फंक्शन ब्लॉक या फंक्शन कॉल या फिर डेटा ब्लॉक या ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आपको कोई भी एक ओपन करके दिखाऊंगा। देन इसमें ये अदर जितने भी हैं ये सारी की सारी हमारे पास में ड्राइव्स के, हमारे यहाँ कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है ये हमारा। देन मैं यहाँ पर F1 जो ब्लॉक है उसके ओपन करता हूँ।
मैं जैसे इसे ओपन करूंगा आप देखोगे यहाँ पर लैडर लैंग्वेज से कुछ ना कुछ लॉजिक्स क्रिएट किए हुए हैं। हमारी मशीन को चलने के लिए जो लॉजिक्स चाहिए थे वो लॉजिक हमने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। ये बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जो बिकॉज पीएलसी एक बहुत ही छोटी मशीन के लिए हम यूज करते हैं, डीसीएस बड़े लेवल पे यूज करते हैं, बट जिसमें हम पीएलसी यूज करते हैं उसमें भी एक स्मॉल स्मॉल सब पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स का जो अलग अलग हम नेटवर्क बना के उन सबको कॉल करके और एक फाइनल हमारी जो मशीन है उसको रन करते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ इसमें लैडर कैसे होता है, देन ये सब कैसे हमको दिखाई देगा। ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।